मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि मुंब्रा से 3 बच्चे लापता हो गए थे, मगर अब ये तीनों बच्चे मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से बरामद किए गए हैं। 22 सितंबर को ये तीनों बच्चे लापता हुए थे। कल रात में मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर ये तीनों बच्चे जो है GRP को मिले, जिन तीनों बच्चों के नाम है नाजिया, नाजिम और शोएब। रेलवे स्टेशन के आसपास ये बच्चे घूम रहे थे, जिसके बाद GRP ने इन्हें पकड़ा और इन बच्चों से पूछताछ की, जिसके बाद इनके पिता नौशाद और मुंब्रा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस और बच्चों के परिवार के लोग कुर्ला GRP जाकर वहां पर कानूनी प्रक्रिया पूरी की और बच्चों को मुंब्रा लाया गया, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन तीनों बच्चों को माँ बाप को सौंप दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तीनों बच्चे लापता कैसे हुए थे। दरअसल ये तीनों बच्चे जो है स्कूल के लिए घर से निकले थे, लेकिन नाजिया अपने दोनों भाई नाजिम और शोएब को लेकर अपनी माँ की डांट फटकार की वजह से घर से चली गई थी और कुर्ला रेलवे स्टेशन के आसपास में ये लोग रहने लगे थे। बच्चों की माँ साइना ने बताया है कि कभी अगर इनसे कुछ गलती हो जाती थी तो इन्हें डांट दिया करती थी, मगर इन्हें इतना बुरा लगता है ये घर छोड़कर चले गए थे तो अब कभी इन्हें दोबारा नहीं डांट फटकार पड़ेगी। मगर यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चे सही सलामत अपने घर वापस पहुँच गए हैं। इन बच्चों ने भी बताया है कि उन्होंने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, अपनी माँ की डांट फटकार की वजह से वो घर छोड़कर चले गए थे, जिसकी गलती का एहसास भी इन बच्चों को है और ये बच्चे अब कह रहे हैं कि दोबारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? नाजिबानो नौशाद अली। अच्छा, 22 तारीख को आप अपने दोनों भाइयों के साथ में और जो है घर से निकल गए थे, कहाँ गए थे आप और क्यों गए थे? मैं कुर्ला स्टेशन पे गई थी और मतलब मम्मी मेरे को थोड़ा मतलब डांट देते थे, कोई गलती करती तो चिल्ला देते थे, तो मतलब मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता था और बस दिमाग में ऐसा आता था कि मतलब सीधा कहीं भी चले जाऊँ। तो अपने दोनों भाइयों को लेके चले गए, माँ बाप है ना, तो थोड़ा बहुत तो गलती करोगे तो डांटेंगे ही वो लोग, तो ऐसा क्यों आया तुमको कि मुझे घर छोड़ के चला जाना चाहिए? नहीं पता, बस दिमाग में आ गया। तो ये 5 दिन आप लोग कहाँ पे थे? स्टेशन पे एक आंटी के साथ। स्टेशन पे? कभी अगर किसी गलत आदमी के हाथ लग जाते तो क्या होता, सोचना चाहिए ना आपको कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, माँ बाप हैं वो परेशान होंगे, नहीं जाना चाहिए था ना आपको? और आप दोनों भाइयों को भी साथ में लेके चलेंगे, क्या डांटते थे आखिर, किस वजह से डांटते थे? तो गलती करते थे तो डांटते थे ना, बिना गलती का तो नहीं डांटे होंगे कभी भी? तो दोबारा करोगे ऐसी गलती? नहीं। ये आपके लड़की बोले कि मम्मी डांट देती थी इसलिए मैं चली गई थी घर से, क्या? हाँ, कोई बात, कोई भी घर में बात होती, बच्चे लोग को डांटते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही डांट देती हूँ मैं। एक दिन का ऐसी कोई बात हुई घर में, डांटो तो क्या, नहीं डांटूंगी आज के बाद, सॉरी बोलती हूँ, नहीं डांटूंगी। देखो माफी मांग रही है आपके लिए, आज के बाद समझ जाना ना दिया, कभी करना नहीं। जो बच्चे आ गए थे मेरे भांजा भांजी, ये सब मिल गए, जो आप लोगों ने मदद की है उसके लिए शुक्रिया। आज 5 दिन के बाद मिले हैं कुर्ला स्टेशन पे। पुलिस में भी बयान वगैरह हो गया है?
जी।